आज का जो चैप्टर है वो अपना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु, शाबाश। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट अ हैवी इंडस्ट्री। ध्यान से सुनो, ऑप्शन फर्स्ट जो हैवी है आयरन एंड स्टील, ऑप्शन सेकंड सीमेंट, ऑप्शन थर्ड कॉटन, ऑप्शन फोर्थ शिप बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर। ऑप्शन बोलू या ऐसे ही बताओगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। आईटी भी हो सकता है अगर आईटी ऑप्शन में होता, क्योंकि दोनों आईटी के कंपोनेंट है। यू आर राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। फर्स्ट दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। भिलाई। अगला क्वेश्चन, फिलिंदी ब्लैंक्स सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लोकेटेड सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक्स इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर, बस ऐसे ही करके आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप एट। कल बात हुई थी इस बारे में, 1854 में टेक्सटाइल मिल कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? बॉम्बे। उस समय बॉम्बे था, मुंबई मत लिख देना, एग्जामिनर का मन हुआ काट सकते हैं, आप बॉम्बे लिखना। पता है पहले बॉम्बे हाई का नाम बॉम्बे हाई था क्योंकि बॉम्बे के पास था, अब उसी को मुंबई हाई बोलते हैं, तो पहले बॉम्बे था अब मुंबई है, ध्यान रखिए। इसी तरह से इंडिया एक्सपोर्ट्स जूट गुड्स टू विच नेशन? फ्रांस। याद कर लो दिमाग में। साइलेंसर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल फॉलोइंग पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन। साउंड सही है बट दैट इज कंसीडर्ड एज नॉइज पोल्यूशन। चलिए अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुगर इन ट्रू और फॉल्स बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सुगर इंडस्ट्री इज वेल सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, ट्रू और फॉल्स? अंडरस्टैंड कोऑपरेटिव, जो दूसरों के कोऑपरेशन से रन करे, फॉर एग्जाम्पल मदर डेयरी, सुधा डेयरी, अमूल डेयरी। मेनी फार्मर्स प्रोड्यूस मिल्क एंड दे कोऑपरेट इन दिस इंडस्ट्री, ओनली बाय दैट इंडस्ट्री इज रनिंग। तो सुगर इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? सुगर मिल सारा सुगर केन ग्रो कर लेंगे क्या? तो कोऑपरेटिव हुई ना, जो कोऑपरेशन से चलती है वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सेक्टर में आने वाली। क्वायर इंडस्ट्री आप लोग समझते हो, COIR, क्वायर, नारियल की रस्सी। करेक्ट, नारियल के ऊपर जब सूख जाता है तो उसके खोपड़े के ऊपर फाइबर होता है, होता ना फाइबर, तो जो वो फाइबर होता है उसी से क्या बनती है? नारियल की रस्सी। तो सुनो इसका क्वेश्चन, क्वायर इंडस्ट्री, क्वायर जो है वो मैट्रेस में भी यूज होता है, मैट्रेस होते हैं ना, पलट लो तो सर्दी वाला पलट फोम, और दूसरे साइड क्वायर होता है जो गर्मी में यूज किया, अभी कम हो गए हैं वो, 10-15 साल पहले इसका यूज बहुत था। तो द सुगर इंडस्ट्री इज वेल सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, ट्रू या फॉल्स? क्वायर कोऑपरेटिव नहीं ना होगा? क्वायर कोऑपरेटिव होगा, क्योंकि नारियल कोई कंपनी तो नहीं इकट्ठा कर लेगी, वो सब लोग मिलके ही इकट्ठा करेंगे, है ना बात सही? लोग तो कॉटेज इंडस्ट्री में आ गया, तो कॉटेज इंडस्ट्री तो कोऑपरेटिव में ही हो गया। आगे देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, यस और नो? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, एकदम सही है। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों को इसका फुल फॉर्म याद है, NMCC, हाथ उठाओ। चलो सोनू बोलो जल्दी, कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, शाबाश।
हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इसका आंसर बता दोगे, जरूर तुम पढ़ रहे होगे, बैठो।